नाउ क्वेश्चन कर रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42, 12 संख्याओं का औसत जो है 42 है, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 40, अंतिम पांच संख्याओं का एवरेज जो है 40 है, एंड द फर्स्ट फोर नंबर इज 44, और पहली चार संख्याओं का औसत हमारे पास 44 दिया गया है, द सिक्स नंबर इज लेस देन द फिफ्थ नंबर एंड फाइव लेस देन द सेवेंथ नंबर, छवीं संख्या जो है वो सातवीं संख्या से कितनी कम है, छवीं संख्या जो है वो पचवीं संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। आपको बताना है छठी और सातवीं संख्या का एवरेज बताना है, छठी और सातवीं संख्या का एवरेज बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 12 संख्याओं का औसत जो है 42 दिया गया है, अंतिम पांच संख्याओं का औसत हमके हमारे पास 40 दिया गया है, और पहली चार संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया गया है हमें, 44 दिया गया है। हम मान लेते हैं कि टोटल 12 जो संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है कितना है, 42 है। टोटल 12 जो संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है हमने मान लिया 42 है। ये से कितना ज़्यादा है, ये से माइनस का 2 कम है, संख्याएं कितनी है, 5 है। ये से कितना ज़्यादा है, प्लस का 2 है, संख्याएं कितनी है, 4 है। तो ये हो गया आपका माइनस का 10, ये हो गया कितना आपका 8, ये हो गया कितना आपका 8। अब हम यहाँ से सम निकालेंगे, जब सम निकालेंगे हमने एवरेज कितना मान के रखा है, 42 हमने एवरेज को मान रखा है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, 42। संख्याएं कितनी है बच रही है, 3 बच रही है, तीन संख्याएं बच रही है तो 3, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर एवरेज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 12 और प्लस का 2, ये होगा कितना आपका 128। 128 जो है ये आपका क्या आ गया, सम आ गया, 128 क्या आ गया आपका, सम आ गया। अब हमसे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या। छठी संख्या का अगर हम x मानेंगे तो पांचवी संख्या को हमको मानना पड़ेगा x प्लस 6, और सातवीं संख्या को हमको मानना पड़ेगा x प्लस 5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x x और x, 3x और 6 5 11, यानी कि 3x प्लस 11 इक्वल्स टू, हमारा सम कितना निकल के आया है, 28 निकल के आया है, 128। तीन संख्याएं का सम यही ना निकल के आया है, तो आप बोलेंगे जी सर। और यहाँ से 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 128 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 117। और x इक्वल्स टू हमारा निकल के कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू इसे कितने बार में कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 39 बार में, x इक्वल्स टू कितना बार में कटेगा, 39 बार में। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है छठवीं और सातवीं संख्या का एवरेज आपको बताना है, छठवीं और सातवीं संख्या का एवरेज आपको बताना है। छठवीं सातवीं संख्या का एवरेज बताने के लिए एक्स का वैल्यू 39 आ गया, छठी संख्या कितनी आ गई, 39 आ गई, सातवीं संख्या कितनी आ गई, एक्स प्लस 5, 9 5 कितना 14, तो हो जाएगा कितना आपका, 44। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 आ जाएगा, और 83/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1.5, 41.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 41.5, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 12 × 42 करना पड़ेगा, ये आपका सम आ जाएगा 12 संख्याओं का, फिर अंतिम पांच संख्याओं का सम 5 × 40 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके आपके पांच संख्याओं का सम, फिर चार संख्याओं का सम आपको करना पड़ेगा 4 × 44, और ये दोनों जो वैल्यू आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसके वैल्यू में से आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको करके भी एक बार बता देता हूँ कि क्या बेसिक से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 12 संख्याओं का एवरेज हमको कितना दिया गया है, 42 दिया गया है, इसका सम कितना हो गया, 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 42 तो ये हो जाएगा आपका कितना, 504। इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, अंतिम पांच संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, पांच संख्याओं का एवरेज 40 दिया गया है, इसका सम कितना हो जाएगा, 200, और पहली चार संख्याओं का सम कितना दिया गया है, 44, एवरेज 44 दिया गया है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 16 16 1 17। अब हम क्या करेंगे, 200 और 176 को ऐड करेंगे, 7 6 और 2 1 3, 376 हो जाएगा, और टोटल ये संख्याएं कितनी निकल के आई, टोटल संख्याएं 9 निकल के आई, लेकिन मेरे पास कितना है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, 504 में से 376 को माइनस कर देंगे, तो 504 में से 376 को माइनस करेंगे तो 128, वही चीज़ आ गया जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो हमने यहाँ पर निकाला था वही चीज़ आ गया, यहाँ पर भी 128 आ गया। अब वही चीज़ आपको करना है, पाँचवीं यहाँ से पाँचवीं छवीं और सातवीं, छवीं संख्या को x मानिए, पच्चीस संख्या x प्लस 6 हो जाएगी, और ये हो गया x प्लस 5 हो जाएगी, और फिर वही आप करेंगे तो यही वाला वैल्यू आपको निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।